अगर नाम देते हो जो आज टीकाकरण का यहाँ पर आपके इंटरेस्ट भी रखा है, किस तरह से आपने कहाँ के लोग यहाँ पर लगना पड़े? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का ये उद्देश्य है कि जो 18 साल के ऊपर के युवक है मुंबई के अंदर, जो अपना व्यवसाय करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, ऐसे युवक वो जल्द से जल्द अपने काम पर जा सकें और वो अपने काम पर फोकस कर सके, इसलिए उनका जल्द से जल्द रसीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने समस्त मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमने ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, लोग बहुत जागरूक है, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा एक मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है कि जो 18 और 44 साल के बीच का जो उम्र का वर्ग है उनको लसीकरण जो एक डिवाइड करके प्रॉपर देना था तो वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है सरकार के तरफ से। तो प्राइवेट प्लेयर्स एक ज़्यादा संख्या में, पूरे मुंबई में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर पाए ना, ताकि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन, तो ये बहुत बड़ी कमी है सरकार की। बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पी नॉर्थ बीएमसी का स्टाफ है जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, खुद स्वयं यहाँ बैठ के चेक कर रहे हैं, तो व्यवस्था वैसी है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एसओपी और सब नॉर्म्स फॉलो करते हैं। हमने समस्त मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप उनके साथ टाई अप किया है, और जो मिनिमम एक जो प्राइस सेट सरकार की तरफ से किया गया है उसी प्राइस में सभी का जो लसीकरण लेने आए उनको दिया जा रहा है उसी व्यवस्था में।